नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर लगातार घूस के मामले में एसीबी कार्रवाई कर रही थी और एसीबी एक बार फिर कल एक्शन मोड के अंदर दिखाई दी है, जहां पर एसीबी ने घूस के मामले में सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की थी पहले, तो वहीं अब एसीबी ने कल राजस्व मंडल के दो व एक दलाल को गिरफ्तार भी किया है। यह सभी आप सभी को बता दूं कि पहले तो रिश्वत के बदले में अश्वत का खेल सामने आ रहा था, तो कहीं पर रिश्वत का खेल सामने आ रहा था, लेकिन इसमें रिश्वत को रिश्वत नहीं कहा जाता है, इसमें रिश्वत को किलो के हिसाब से बताया जाता है। जी हाँ, ये नई बात मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जिसके अंतर्गत वह तीनों जब रिश्वत मांगते थे या कोई भी कार्य करते थे तो वह 1,00,000 रुपए को 1 किलो बताते थे, जिससे वह फंस भी ना सके और उनकी आसानी से बरी भी हो सके। लेकिन जब एसीबी ने इस पर कार्रवाई करी तो एसीबी ने कल राजधानी जयपुर के मानसरोवर में स्थित मेट्रो स्टेशन से इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 दिन के रिमांड पर भी इन्हें भेज दिया गया है। यानी कि अब रिश्वत के बदले किलो का हिसाब से रिश्वत ली जाती है, 1 किलो और 1 लाख दोनों समान बताए जा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि कल 12 के अंदर घमासान देखने को मिला है, जिसमें शनिवार को दिन दहाड़े शाम को दुकान के आगे बाइक लगाने को लेकर के 4-5 लोगों ने बाइक सवार की चाकू मार करके हमला किया था उसके ऊपर, और कल यह मामला बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसमें दोनों पक्षों ने वहां पर उपद्रव मचाया है। और यह उपद्रव इतना छोटा उपद्रव नहीं था, यह उपद्रव बहुत बड़ा उपद्रव था, जिसके अंतर्गत वहां पे पुलिस प्रशासन को उन पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। दोनों ने वहां पर अपने अपने पक्षों में अपने अपने एरिए में दुकानों में आग लगाई है, तो वहीं डंपर के अंदर भी आग लगाई गई है, और इसको रोकने के लिए पुलिस ने हवाई फायर भी किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। पुलिस को इस हद तक जाना पड़ा कि वह लाठी चार्ज भी करे और उन सभी को अपनी जगह से भगा दे, और पुलिस ने ऐसा ही करके अपनी इस 12 जिले के अंदर हालत पर काबू पाया है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि राजस्थान के अंदर कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोग फिर भी आप सभी सतर्क होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर डरावने आंकड़े राजस्थान के अंदर देखने को मिले हैं, जिसमें 5,105 कोरोना के नए संक्रमित देखने को मिले हैं। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि जिसमें सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर 864, जयपुर के अंदर 648, जोधपुर के अंदर 666 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 10 लोगों की कल राजस्थान के अंदर कोरोना वायरस से मौत भी होती हुई नजर आई है। साथ आप सभी को बता दूं कि पहले 1 महीने पहले राजस्थान के अंदर कोरोना के पूरे राजस्थान में 300 से 400 केस सामने आ रहे थे, और उससे पहले तो यह केस 100 तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब यह केसों का आंकड़ा हजारों तक पहुंच चुका है और 5,105 तक पहुंच चुका है। यानी अब सावधानी बरतने की ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो सरकार इस पर सुनवाई करके लॉकडाउन पूर्ण तरह से घोषित भी कर सकती है, तो इस सभी के लिए आप सभी सावधान हो जाएं। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के रानी सती नगर के अंदर एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को कल रात को गोली मार दी गई है, उसकी जांग में अंदर गोली मारी गई है, जब वह दुकान का कलेक्शन लेकर के घर जा रहा था तो बदमाशों ने उसकी जांग पर गोली मारी और 7,00,000 रुपए लूट करके फरार भी हो गए हैं। जब उनका पीछा किया गया पड़ोसी के द्वारा जो वहां पर मौजूद था बाहर, वह भी कहीं और से आ रहा था, और जब उसने ये घटना देखी तो उसने उन बदमाशों का पीछा किया। जब बदमाशों का पीछा करने के लिए वह उनके पीछे पीछे गया तो बदमाशों ने उस पर भी गोली मारी, और गोली मारने के बाद में वह गोली उसको ना लगते हुए जमीन में जाकर के लगी है, लेकिन उसको कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जिस डिस्ट्रीब्यूटर की गोली लगी है उसका इलाज अभी भी अस्पताल के अंदर जारी है।
तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।